जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों बात करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है ये आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। इस वैकेंसी में क्या क्या चाहिए आपको देखो, इसे हिंदी में बोलते हैं जनसंपर्क अधिकारी, ठीक है। इसे PRO ऑफिसर होता है, ऑफिसर लेवल की ये वैकेंसी है। 6 पद पे वैकेंसी निकल, 6 पद इसमें टोटल है, 6 पदों की वैकेंसी है। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल वाइज, कैटेगरी वाइज जान ले। इससे पहले आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं जनरल की, तो जनरल की यहाँ पे 2 पद है और जनरल में वुमेन का 1 पद है जिसमें कोई भी वुमेन अप्लाई कर सकती है। एससी की बात करते हैं, एससी में 0 पद है, एसटी में 0 है। ओबीसी की बात करें 1 पद जनरल का, एमबीसी की बात करें 1 पद है और इसके साथ ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। ये टोटल पदों की बात होगी। इसके साथ ही अक्स सर्विसमैन का इसमें 1 पद है, बैकलॉग 2020-21 की जो वैकेंसी उससे लिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे और पदों की डिटेल्स वाइज। देखो सेक्शन की आर्थिक बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के साथ आपके 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जर्नलिज्म। देखो 5 ईयर का एक्सपीरियंस माना गया है, ठीक है। नेशनल और स्टेट लेवल पेपर और नेशनल न्यूज पेपर एजेंसी, ठीक है। इसके बाद बात करें डिग्री ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद लो इंडियन विल डिप्लोमा इन द जर्नलिज्म के अंदर आपका डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए आप हिंदी इंग्लिश के लिए यूनिवर्सिटी, और इसके साथ ही आपकी जो है दोस्तों 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका जर्नलिज्म के अंदर होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज हिंदी राइटिंग देवनागरी वगैरह ये राजस्थान कल्चर ये नॉलेज आपको होना चाहिए। आगे बात करें इसमें सेक्शन आर्थिक बात होगी, इसमें आगे बात जाने तो इसका जो वेतन है दोस्तों लेवल 12 का वेतन है, ग्रेड पे इसमें 4800 रुपए है। और इसके साथ 1/1/2025 के तो आपकी जो एज का क्राइटेरिया है, जिसमें एज का क्राइटेरिया दे रखा है, वो एज का क्राइटेरिया है कि 1/1/2025 तक आपकी न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लूँ इसमें तो SST को वगैरह को जो एज में छूट मिलती है उसी हिसाब से है कि 5, 10, 15, ठीक है। अब आगे बात कर ले थोड़ी सी जानकारी की, चयन प्रक्रिया क्या होगी। इसमें आपका चयन है दोस्तों लिखित परीक्षा और इसके साथ फिर आपका एंट्री होगा, ठीक है। उस आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा स्थान और तिथि संबंध में यह सूचना आपको किया जाएगा। चयन प्रक्रिया आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा। परीक्षा स्थान और तिथि आपको जल्द यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। परीक्षा योजना जो लिखित पाठ्यक्रम वगैरह वो भी जल्द मिल जाएगा। इसमें शॉर्ट नोट आपका जो दे रहेगा पाठ्यक्रम उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों 5 मार्च से स्टार्टिंग है और 3 अप्रैल तक चलेंगे, ठीक है। 1 महीने इसके फॉर्म चलेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने यदि कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट का हो तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके साथ दूसरी बात RPS की डॉट राजस्थान डॉट गवर्नमेंट अगर उपलब्ध वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या अपनी SSO ID भी जाना और डायरेक्ट वहां से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेगा तो डायरेक्ट अप्लाई आप कर सकते हो। इसके बाद आगे बात इसमें करते हैं, तो इसमें जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करेगा तो आपको फीस लगी। फीस की जानकारी मैं देता हूँ, 600 रुपए है जनरल EWS OBC के लिए और बाकी के लिए 400 रुपए है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आगे इसमें डिटेल वाइज, तो डिटेल वाइज बात करें सिलेबस की बात कर लेते हैं तो इसमें परीक्षा स्कीम होगा। देखो जनरल नॉलेज और राजस्थान 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, इसके साथ सब्जेक्ट रिलेटेड जर्नलिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे 110 क्वेश्चन आएंगे 110 नंबर के, यानी कि 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। इसके बाद बात करें इसमें आपको इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होगा। इसके बाद हम बात करें इसमें 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है याद रखना। इसमें 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 5 में से यदि आप 10% क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपको इस एग्जाम से DMR बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी बात यदि आप एक क्वेश्चन भी छोड़ते हो 5 ऑप्शन सर्कल नहीं करते तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग काट ली जाएगी, ठीक है। तो 5 ऑप्शन जरूर चॉइस करें। इसके बाद इसका जितने भी सिलेबस वगैरह विस्तृत सिलेबस अभी इसका जारी नहीं किया गया, जब भी इसका विस्तृत सिलेबस आएगा उसकी जानकारी आपको YouTube चैनल से मिल जाएगी। तो बने रहे YouTube चैनल पे और वैकेंसी न्यूज पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बने रहे। इस बार छोटी से बड़ी अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप ये होना चाहिए, आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसका प्रारूप भी देख सकते हो आप, ठीक है। छोटी से बड़ी वैकेंसी आएगी हमारे YouTube, वो आपको सारी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें।